गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 1. सोनू सूद, 2. वाणी कपूर, 3. रोहित शर्मा, 4. अजिंक्य रहाणे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अजिंक्य रहाणे। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? 1. सौरभ गर्ग, 2. रोहित कुमार सिंह, 3. राजेंद्र बदामीकर, 4. मुखमीत सिंह भाटिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र बदामीकर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजेंद्र बदामीकर और सुश्री काजी जेबुन्निसा मोहिउद्दीन को 2 साल के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेंद्र बदामीकर वर्तमान में उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंगलुरु के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में कार्यरत हैं। सुश्री काजी जेबुन्निसा मोहिउद्दीन वर्तमान में उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंगलुरु में रजिस्ट्रार सतर्कता के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 1. संजीव कुमार, 2. आतिश चंद्र, 3. चंद्रशेखर सिंह, 4. रचना शाह। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संजीव कुमार। संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, 2. मणिपुर, 3. आंध्र प्रदेश, 4. केरल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 से 25 मार्च तक कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया है। इसका आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कुशीनगर में 3 केला फाइबर प्रोसेसिंग यूनिट और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC भी स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 श्रेया घोषाल, 2. सोनू निगम, 3. लता मंगेशकर, 4. आशा भोसले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आशा भोसले। आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 42वीं, 2. 44वीं, 3. 40वीं, 4. 38वीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 40वीं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने 100 में से 38.4 अंक प्राप्त किए हैं। यह US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर द्वारा निम्न में से किस गांव में कारगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 लाटू गांव, 2. मथु गांव, 3. डिस्केट गांव, 4. हुंदरी गांव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाटू गांव। कारगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी KRADA की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया। योजना का उद्घाटन लाटू गांव, जो नियंत्रण रेखा LOC पर अंतिम गांव है, में किया गया। एवर गिवन स्वेज नहर में एक विशाल कंटेनर जहाज ने स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया है। स्वेज नहर को कब खोला गया था? ऑप्शन नंबर 1 1859, 2. 1869, 3. 1879, 4. 1889। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1869। एवर गिवन एक विशाल कंटेनर जहाज ने स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया है और वैश्विक शिपिंग को प्रभावित किया है। ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन एवर गिवन को ऑपरेट करती है। एवर गिवन पनामा में नौकायन करने वाला एक विशाल कंटेनर जहाज है। स्वेज नहर 1869 में खोला गया था। इसका निर्माण 1859 में शुरू किया गया था। यह स्वेज के स्तंभ के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अमेरिका स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसने हाल ही में हैदराबाद में कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? 1. बिटकॉइन बेस, 2. कॉइन बेस, 3. क्रिप्टोस, 4. क्रिप्टोकॉइन बेस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉइन बेस। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनबेस ने घोषणा की है कि वह भारत में इंजीनियरों को काम पर रखना शुरू करेगा। कॉइनबेस ने कहा है कि वह पहली बार भारत में एक कार्यालय स्थापित करेगा। कॉइनबेस एक कंपनी है जो बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी का आदान प्रदान करती है। भारत के किस राज्य में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, 2. मध्य प्रदेश, 3. ओडिशा, 4. आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो ओरवाल में स्थित है। एयरपोर्ट का नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। यह आंध्र प्रदेश का छठा हवाई अड्डा होगा।